राजनीति कूटनीति को मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार को मजा लीजिए। ओ मस्तियां है वे खुदी है चाहे तो खजा में। भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय होता है न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देखे तमोरे। भैया मोटा भाई दक्षिण भारत की यात्रा में हैदराबाद में भैया मोटा भाई अपना विजय रथ लेकर दौड़ पड़े। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटावे के बाद ओतक में शांति बहाली के बाद अब मोटा भाई को घोड़ा साउथ तरफ हैदराबाद से दौड़ा। ओतक में हैदराबाद जहां पे वे ओबीसी चल जाते ना, हमें तो जो लग रहा कि ओबीसी को नाम ओम प्रकाश शास्त्री ना रखते धोखे धंधे में जो स्थिति हो गई। अब हो ही रहा को नाम बदल भी को बात चल रहा हैदराबाद को नाम बदलने हैं तो ओबीसी को नाम बदल जाए अभी भैया आदमी चिंतन कर रहा। तो पिछले 3-4-5 दिन से हैदराबाद सिकंदराबाद और जो सब जगह घूम फिर के रैली वो जो समर्थन अमित शाह के मिल लो ऊखे लेके अब विचलन बढ़ रही विपक्षी दलन में। देश में किसान आंदोलन चल रहा, देश में कहा चल रहा उतना ही चल रहा जो पंजाब हरियाणा वाले बोर्ड हो दिल्ली में देश को तो अलावर आदमी जोड़ा रहा कि देश में चल रहा। लेकिन मोटा भाई अपने लक्ष्य में लगो है भैया तो देख रहे हैं जब पूरी खबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे, उनने देश की एकता के लिए जो काम करो तो शायद उन्हीं नक्शे कदम पे अब जे अमित शाह चल रहे। अमित शाह हैदराबाद के दौरा पे हैं और तेलंगाना हैदराबाद ये सब जगह जा रहे हैं भैया। तो हैदराबाद में इन्हें भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जाके प्रार्थना करी और अपने दौरा की शुरुआत करी। जो होते पे गए पूजा उजा करी, पूजा पाठ करवे के बाद इन्हें होते पे आशीर्वाद लाओ माता लक्ष्मी से, माँ भाग्य लक्ष्मी माता को जो है तो मंदिर है और इतने पे तेलंगाना के इतने भी अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए। इसके बाद पे जो इनकी शोभा यात्रा निकली सिकंदराबाद में, तेलंगाना के सिकंदराबाद में इतना शानदार जलसा शायद भाजपा को पहली बार निकलो हो, जहाँ भाजपा के चारों तरफ कार्यकर्ता तो हते लेकिन आम जनता भी सड़कन पे रोड किनारे खड़ी खड़ी और देश के गृह मंत्री को स्वागत सत्कार कर रही थी। इसके बाद उनने भी तो कई कार्यक्रम में भाग लो, भाग लेवे के बाद फिर उनने हैदराबाद के तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी संबोधित करो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने अपनी बात जो बेबाकी से रखी और जो सवाल दे सवालन के जवाब दे पत्रकार की वो सुनवे लायक है, सुन लो तना। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हैदराबाद शहर की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आज जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है शायद ही मैंने तेलंगाना में हैदराबाद में अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्म जोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए एक इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के आईटी हब बनने की सभी संभावनाएं पड़ी हुई है, मगर आईटी हब तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने और इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है।
और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहाँ टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, एपिसमेंट होता है, इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं उसने भी पानी भरने में, जमा होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए, हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा, हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था जिसको प्रचिन्ह आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दें। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है, क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए, उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सिटीजन चार्टर छोड़िए, इसका पहला पृष्ठ भी तैयार नहीं हुआ है अभी। और रोजमर्रा के काम के लिए, गटर की सफाई के लिए, रोड की सफाई के लिए, रोड की स्ट्रीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही। 32,000 से ज्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे, हमने हिसाब किताब लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने 20% से ज्यादा आप नहीं दे पाए हो, कब दोगे? वादा तो 5 साल का था। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया कराया है, मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। भूसी नदी के साथ साथ 42 किलोमीटर का 6 लेन रोड बनाना था। मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी वैन जरा भूसी नदी के किनारे किनारे घुमाकर वो 6 लेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिए जरा। हैदराबाद की जनता श्रीमान आपसे पूछती है कि वादों का क्या हुआ? 15 डंप यार्ड बनाने थे, 1 डंप यार्ड का बोर्ड भी तो दिखा दीजिए, कहां गए वो 15 डंप यार्ड? 4 प्रेक्षागृह रविंद्र भारती की तर्ज पर आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? 10,000 करोड़ की एक योजना लेकर आए थे आप, कहां गए 10,000 करोड़? कब खर्च किया? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट का योग भी बना ले तो इतना नहीं होता है। एक हुसैन सागर को स्वच्छ तालाब बनाने का, एक स्वच्छ
स्पॉट बनाने का, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का वादा किया था। मैं अभी अभी हुसैन सागर के पास से आया हूँ, आप हर रोज जाते हैं, मैं इसके बारे में कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल की तर्ज पर 4 नए अस्पताल बनाने थे, हमें तो दिखाई नहीं दिए। मोदी जी ने एम्स में मेडिकल कॉलेज दिया, मजदूरों की जो अस्पताल है इसमें भी मेडिकल कॉलेज दिया और अस्पतालों को कंप्लीट करने का काम मोदी जी ने किया। अरे साहब वो तो छोड़िए, आपने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एक आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसमें हैदराबाद के अर्बन गरीब के लिए 5 लाख रुपये की पूरी हेल्थ का खर्चा भारत सरकार उठाने वाली है। आपने पॉलिटिकल रीजन से, मोदी जी हैदराबाद में लोकप्रिय हो जाए इसलिए, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया और हैदराबाद के गरीब को आपने 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य योजना से महरूम रखा है। आज हैदराबाद में कोई भी गरीब बीमार पड़ता है तो उसको 5 लाख रुपए की दवाई नहीं मिलती, ऑपरेशन नहीं करा पाता, अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने छोटे बच्चे का इलाज नहीं करा पाता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने। मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो वैसे ही केसीआर साहब होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काफी कुछ किया है। हैदराबाद मेट्रो प्रकल्प 16,000 करोड़ की लागत से, जिसको 30 किलोमीटर लंबा बनाया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने ही किया। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्वीकृति की, 4 बनाए हैं। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद, सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद, ऐसे 4 बनाए हैं। 40,800 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अमृत मिशन लाया, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3.30 करोड़ मूल्य के 2 पार्क विकसित किए गए, जीएचएमसी की लिए क्रेडिट रेटिंग की पूरी करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात हैदराबाद शहर के गरीबों के लिए, अभी अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए। ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना गरीब रेडी वालों के लिए है और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सबसे ज्यादा पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा अगर किसी एक राज्य को मिला है तो तेलंगाना को मिला है। 3 लाख लोगों को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन देने का काम किया गया और सबसे ज्यादा किसी बड़े शहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है। 30,000 से ज्यादा पीएम स्ट्रीट वेंडर के लोन दिए गए, लगभग और 72 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना मेट्रो की लागू हो रही है। इसके अलावे हैदराबाद के लिए पहले पासपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, अब पूरी व्यवस्था को प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है और सारा काम टेक्नोलॉजी बेस कर एक अद्यतन पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ हैदराबाद के अंदर ये आईटी का बड़ा हब है, देश भर के युवाओं के लिए मोदी जी ने ढेर सारे योजनाएं और ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इसका परिणाम है कि दुनिया भर में आर्थिक संकट है मगर एफडीआई इनफ्लो सबसे ज्यादा भारत में है। एफआईआई इनफ्लो भी नवंबर में रिकॉर्ड जगह पे पहुंचा है। आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को हो रहा है। हमने देखा है कि हैदराबाद में भारत की योजना और प्रधानमंत्री जी के सबसे संपर्क से कई बड़ी बड़ी कंपनियां आकर्षित होकर यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है और मेक इन इंडिया की चमक भी हैदराबाद के अंदर बढ़ी है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, अब न केवल वर्क फ्रॉम होम, इसकी जगह वर्क फ्रॉम एनीवेयर के लिए रास्ता खुला है और इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद के युवाओं को होने वाला है, जो आईटी प्रोफेशनल है उनको होने वाला है। ये मिनी भारत है,
भारत भर के युवा यहाँ आते हैं, इनको वर्क फॉर होम की साथ साथ वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये योजना का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक शहर को, किसी एक शहर के युवाओं को होना है तो वो हैदराबाद को होना है। स्टार्टअप के लिए भी बहुत ध्यान दिया गया है, ढेर सारी प्रायोरिटी में डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर स्टार्टअप को मोदी जी ने खुद एक थ्रस्ट देकर एक नए उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को होने वाला है। स्टार्टअप्स के लिए व्यापार में आसानी हो इसके लिए एक नया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार कर बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत ने ग्लोबल रैंकिंग में बहुत बड़ी जंप लगाई है और इसके साथ साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है। मित्रों, ये सबके कारण हैदराबाद जो मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, इसके युवा प्रोफेशनल्स को बहुत, उनके लिए क्षितिज बहुत बड़ी खुली है और इसका फायदा हो रहा है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ हमारे प्रदेश का नेतृत्व बैठा है। मैं आपको, हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का एपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांग गया, अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टिकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का एपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। बाढ़ से डूबे शहर को बाढ़ मुक्त शहर बनाना चाहते हैं और मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूँ, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो, सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में एक घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ हमारा मजलिस के साथ समझौता है, क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना, यहां से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। मेरी बात समाप्त हो। तो जी आते अमित शाह भैया, इनने पत्रकार ने ओबीसी ओबीसी सबसे लेके सवाल करे तो इनने कही सुनो
काय के ओवैसी काय के काय डरावे रावी कोकी उतनी है। सरकार आप लोग काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता अपने तरीके से, मोदी सरकार आप लोग काम कर ही नहीं। और भाजपा अब भैया तेलंगाना हैदराबाद सब जगह बिल्कुल अब छावे वाली है उनको, ऐसा क्या हो तो जा इनकी नीति देखो। चाणक्य ने कूटनीति को चाणक्य मानो या राजनीति को देखो तो मध्य प्रदेश सरकार पलट गई। जा सरकार बहुमत नहीं हो तो सरकार बना ले। वो अब ये साउथ में घुस गया तो समझ सकत कि अमित शाह अगर इस क्षेत्र में घूम रहे तो अब विरोधियों में विपक्षियों में हाका मैं बचने तय मानी हूँ। तो आने वालों अमित शाह को जो दौरा आने वाले समय में कितनों कारगर हुई है, कितनों प्रभावशाली हुई है, ये को हम देखते रहे। अब हम ले रहे भैया बेटा जयराम जी की।